अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज एक नई वीडियो के साथ आते हैं और आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो भी वही है, यानी लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब। और लेकिन आज की वीडियो में नई चीज़ ये है कि ये जो जॉब्स हैं वो हैं सिंध गवर्नमेंट लियारी हॉस्पिटल कराची के, और उसी के साथ लियारी में जो मेडिकल कॉलेज है उनमें, यानी इन दोनों, एक इंस्टीट्यूट है और दूसरा हॉस्पिटल है, इन दोनों में जॉब्स गए नॉन टीचिंग स्टाफ का जो उन्होंने जॉब्स का उन्होंने भी ऐलान किया, अनाउंसमेंट की गई है, तो वो मैं आपके सामने लेकर आया हूँ आज। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे मेरे पास एक एड है जो मैंने अभी डाउनलोड किया है, इसमें दो तरह की वैकेंसीज हैं। चलिए सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ये कहाँ के लिए रिक्वायर्ड है। तो यहाँ सबसे ऊपर आप देख रहे होंगे शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो मेडिकल कॉलेज लियारी, यहाँ के लिए, और इसी के साथ साथ सिंध गवर्नमेंट जनरल लियारी जनरल अस्पताल कराची, ये दोनों, इन दोनों जगह के लिए ये वैकेंसी जो है वो रिक्वायर्ड है। गैर तदरीसी अमला यानी नॉन टीचिंग स्टाफ, इसमें दो तरह की वैकेंसीज हैं। एक वो है जो BPS 1 से लेकर BPS 4 तक है, और दूसरी वो है जो BPS 5 से लेकर BPS 14 या 15 तक है। तो अगर आप BPS 1 से लेकर 4 तक अप्लाई करना चाह रहे हैं तो उसके तरीके का अलग है, और अगर आप BPS 5 से अब तक अप्लाई करना चाह रहे हैं तो उसका जो तरीकेकार है वो डिफरेंट है। अच्छा, सबसे पहले हम BPS 1 से स्टार्ट करते हैं। BPS 1 में यहाँ पे मुख्तलिफ जो उन्होंने जॉब दिए हैं, जैसे डिस्पैच राइडर है, ड्राइवर, जनरेटर, पंप ऑपरेटर, असिस्टेंट कारपेंटर, स्टोर कीपर, लैब अटेंडेंट, ये सारी मैं इसको वहां पे अटैच भी कर दूंगा, इसका लिंक शेयर कर दूंगा, आप चाहें तो इसको वहां से कुछ देख भी सकते हैं। और दूसरी जो है वो BPS 5 से अबव जो है उनमें जूनियर क्लर्क है, उसके बाद अकाउंट असिस्टेंट है, सीनियर अकाउंट असिस्टेंट, इस तरह की मुख्तलिफ यानी ऑफिस वर्क की जो जॉब्स हैं वो वाली हैं। अगर आप BPS 4 तक यानी BPS 5 से जो नीचे वाली जो जॉब्स हैं अगर आप उनमें अप्लाई करना चाहते हैं तो आपने करना ये है कि उसके लिए आपने एक CV, उसके बाद आपके जो तालीमी सर्टिफिकेट हैं वो डोमिसाइल PRC, और उसके बाद पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, इनको भी आपने तस्दीक कराना है, CNIC, अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस है तो उसका सर्टिफिकेट, ये सारी चीज़ें आपने क्या करनी है, आपने जमा करवानी है दरख्वास्त द्वारा। अपनी दरख्वास्तें दफ्तर प्रिंसिपल चेयरपर्सन शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो मेडिकल कॉलेज लियारी में आपने जमा करवानी है। लेकिन अगर आप BPS 5 से अबव की पोस्ट में अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए आपने क्या करना है, उसके लिए आपने ये करना है कि आपने यहाँ से देखें, यहाँ पे उन्होंने इंस्ट्रक्शन दिए हैं कि शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो मेडिकल कॉलेज लियारी के लिए मुस्तकिल बुनियाद पर BPS 5 तो BPS 15 मंदरजा जेल गैर तदरीसी अमला के लिए IBA सखर टेस्टिंग सर्विस की जानिब से मुनक्कदा ग्रेजुएशन और इंटरमीडिएट टेस्ट पास करने वाले और इश्तहारे अजा की इशात के अंदर 14 14 यौम हर असामी के मुकाबिल जो भी, यानी कि इसका जो मैं आपको आसान रख लूंगा, बता देता हूँ कि BPS 5 के ऊपर जितनी भी पोस्ट हैं उसके लिए आपने सक्सर IBA टेस्टिंग सर्विस के ऊपर, अगर आपने ग्रेजुएशन और इंटर बेस के ऊपर आपने टेस्ट पास किया है और उसका सर्टिफिकेट आपके पास मौजूद है तो आप इनके लिए अप्लाई कर सकते हैं। यानी आपका इंटरव्यू होगा क्योंकि टेस्ट आप पहले ही पास कर चुके हैं। तो आपने क्या करना है, जो चीज़ें मैंने BPS 4 तक के लोगों के लिए बताई हैं वही चीजें आपकी भी होंगी, लेकिन साथ में आपने वो सर्टिफिकेट जो है IBA का जो सर्टिफिकेट है वो भी आपने साथ में लेके जाना होगा, ठीक है? कौन कौन सी चीजें हैं, CV, आपके एजुकेशनल सर्टिफिकेट, डोमिसाइल PRC, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ और CNIC होगा, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, और अगर BPS 5 से ऊपर के लिए कर रहे हैं तो जो आपका सखर IBA टेस्टिंग सर्विस का जो सर्टिफिकेट है वो भी आपने साथ लेके जाना। ये सारी चीजें BPS 17 का जो ऑफिसर उसे तस्दीक शुदा होनी चाहिए। उम्र की जो हद है वो 18 से 28 साल तक है, और उसके अलावा माजूर अफराद के लिए 5% का जो कोटा है वो
मुक्त किया गया है। पहले से सरकारी मुलाजमत कर रहे हैं वो अपने महकमाना तवसत से दरख्वास्त देंगे। दरख्वास्त नाम कमल जेरे गौर नहीं लाए जाएंगे, बिल्कुल ना लाए भाई। जेरे गौर जो कंप्लीट होगी उन्हीं को लाए, और कोई TA-DA नहीं दिया जाएगा। अगर किसी डिपार्टमेंट में आप पहले से काम कर रहे हैं और वहां पे आपके साथ कोई मसला चल रहा है, फारिज किए गए हैं, कोई आपके खिलाफ इंक्वायरी चल रही है, तो ऐसे उम्मीदवारों को नाअहल समझा जाए। इन सारी चीजों को आपने मद्देनजर रखते हुए इसके लिए अप्लाई करना है। और एक चीज दोबारा से मैं अर्ज करूंगा, अगर आप BTS 5 और 15 के दरमियान में किसी कोर्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो अगर आपके पास इंटर और ग्रेजुएशन बेस पे सखर IB टेस्टिंग सर्विस का सर्टिफिकेट मौजूद है तो ही अप्लाई करें, अदरवाइज इसमें अप्लाई नहीं करें। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।